आसिफ हबीब कुछ तो करें। काफ़ी डी तो यह सवाल शुजाबाद भी चलता पिया जी, कित गल इकट्ठे थींदे पे हैं, क्यों थींदे पे हैं, मकसद क्या है। मेरे ख्याल च आसिफ हबीब तो बेहतर शायद कोई कहना समझा सकती जेरे अंदाज जो समझा गए। एक तो आपको पैगाम दे गए, मेरे को बड़ा अच्छा लगे लफ्ज मैं लिखी दे तो आपको दसेना कुछ तो करें, कुछ तो करूँ। कुछ करण के पिछू अज असा कट्ठे थे हैं, साढ़े पिछू एक शख्सियत बैठे एक ना बैठे, इो जो लोग असा पैदा कर सकते हैं, इो जो लोग साढ़े मौजूद हैं। रहनुमाई की जरूरत है, उन्होंने कंड के पिछू खनन की जरूरत है। शायद उम्र लेकू पावन की दशा को बड़ी मेहनत करनी पोसी, बड़ी जदोजहद करनी पोसी, बतौर बिरादरी बतौर जखड़ आवन दे सा को फखर होना चाहिए। मैं अज प्लेटफॉर्म तो आपको गुजारिश करे सा कि जखड़ लफ्ज को लिख के इंदी माजी को इंदी रिवायात को इंदी वड़ी कौम होने पढ़ को तुसा जरा पढ़ के देखो, खोल के देखो। पाकिस्तान पाक बल्कि पाक हिंद में जितने वड़े कौम आबाद हैं, जखड़ कौम की एक अपनी इम्तियाजी हैसियत है, जखड़ कौम का एक अपना ना है। इन्हें में सिपा सलार गुजरे, इन्हें बहादुर लोग गुजरे, इन्हें आर्मी के ऑफिसर गुजरे, इन्हें बच्चे एम एल एस गुजरे, एम पी एस गुजरे, तहसील निजामत मिले, इन्हें बच्चे वकला हैं, इन्हें दानश्वर हैं, इन्हें अदीब हैं। साकू शायद एक दूजे के बारे पता कहना आई, एक कुछ तो करो है कि काबिश के लिए अस सारे कट्ठे थे हैं। मैं मेज़बान महफिल राणा मोहम्मद असलम जखड़ जिन्हों का खूबसूरत जी हाल है, उन्होंने तरफों राणा अकरम वाइस चेयरमैन, राणा मुनवर सैकटरी जनरल बार जलालपुर पीरवाला साडा फखर हैं, साडा माण हैं, राणा उमर दराज साहब, हाफिज अहमद दराज साहब, हसन रियाज, आसिफ फारूकी, राणा मेहर अली, इन्होंने महफिल को सजावने अपना बड़ा किरदार अदा किए। मैं उन्होंने सारे के तरफों तो आपको खुशामदीद आदा। इंदे बाद बहर आले दोस्तों किते खराज अकीदत पेश करन किते, मैं अपने बड़े भाई इंतहाई काबिल एहतराम राणा गुलाम सरवर जखड़ प्रोफेसर इन शोबा तालीम तो बड़े अरसे तो मुनसलिक, बड़े लंबा अरसा अमली सियासत जिसा किते ने शुजाबाद दी अपना नाँ रखे ने जखड़ा है। राणा गुलाम सरवर जखड़ साहब आसन तुहाडे को खुशामदीद आखसन, खराज अकीदत ही पेश करे सन। राणा गुलाम सरवर जखड़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इज्जत माब मेहमाना ने ग्रामी और मेरे दोस्तों, मेरे जखड़ बरादरी के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये महफिल जो बड़े खूबसूरत तरीके से सजाई गई है, इसका बुनियादी मकसद जखड़ बरादरी को इकट्ठा करना था, क्योंकि हमारी जखड़ बरादरी तारीख से ये बात साबित होती है कि एक बहुत बड़ी कौम है। लेकिन जब हमने यहाँ आँख खोली, इस सरजमीन पर जब आँख खोली, तो हमारी जखड़ बरादरी अपना बिल्कुल बिखरी हुई पाई गई। हमारे एक बुजुर्ग जो इस दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं, राणा मोहम्मद सादिक जखड़ साहब, उनकी दिल की ये ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था कि तमाम जखड़ बरादरी इकट्ठी हो, हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका हल होना चाहिए। आज मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ, उसी धरती को सिकंदराबाद को खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि उनके नौजवान राणा रफीक जखड़, राणा लतीफ़ जखड़, राणा सईद जखड़, राणा हाजी फैज भाई जखड़, इन लोगों ने आज उनका जो पैगाम था आज वो पूरा करके दिखाया है। आज जखड़ बरादरी का कट करके, खूबसूरत कट करके, उनकी जो सोच थी उसको अमली जामा पहनाया है। गो आज वो नहीं है, लेकिन आज उनकी रूह को तस्कीन पहुंच रहा होगा, आज वो खुश होंगे, कब्र के अंदर खुश होंगे कि मैंने जो पैगाम छोड़ा था मेरी औलाद ने, मेरी बरादरी ने वो पैगाम पूरा किया। इस पे मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये खूबसूरत कट
जो एक गुलदस्ता की सूरत में है, वो गुलदस्ता पूरे पाकिस्तान से यहाँ जमा है। खैबर से लेकर कराची तक के जखड़ आज इकट्ठे हैं। आज आपके सामने है मुख्तलिफ चेहरे, आज ये मुख्तलिफ चेहरों का गुलदस्ता जिन्होंने सजाया है। मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये खूबसूरत गुलदस्ता है, इसका बुनियादी मकसद ये कोई सियासी कट नहीं है, ये हमारा अपना एक इंफरादी कट है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कौम है, पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये कट करने का मकसद ये है कि हमने मिलजुल कर एक दूसरे के मसाइल को हल करना है। अगर जामपुर के जखड़ को तो तकलीफ होती है, तो पूरे पाकिस्तान के जखड़ को तकलीफ होगी। ये है हमारा विजन। तो ये खूबसूरत जो गुलदस्ता है, यह आपके सामने है। इंशाल्लाह इस इजलास के बड़े पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। इंशाल्लाह हम दूसरी तहसील में जाएंगे, अगर हमारा कोई मसला है तो वहाँ हमारा इंशाल्लाह एक भाई ज़रूर खड़ा होगा जो हमारी तकलीफ को दूर करेगा। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी जक्खड़ बरादरी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे अपना जक्खड़ इंजीनियर भी हैं, हमारे डॉक्टर भी हैं, हमारे अपना DC भी हैं, AC भी हैं, लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सियासतदान भी हैं। वो फिर हम पीछे क्यों, हम क्यों पीछे हैं? हमें कुछ करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ करना चाहिए। मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये बड़ा खूबसूरत महफिल है। इस महफिल पे, इस महफिल को सजाने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी आखिरी बात यह है कि हम सब मिलकर एक जंजीर बन जाएं। क्या बन जाएं? चारों सूबों की जंजीर बन जाएं, मजबूत हो जाएं, मुत्तहद हो जाएं। इंशाल्लाह हमारे मसाइल जल्द से जल्द जो है ना वो हल होंगे। एक बार फिर मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वसलाम।